हाईवे पर चंद्रमहल गार्डन के बाहर ये धरना जारी है और पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच को लेकर सांसद मीणा यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। मंगलवार से ही उनका और उनके समर्थकों का धरना जारी है। सरकार से सांसद मीणा जो है वो अब तक की उनकी दो दौर की वार्ता हो चुकी है और आज फिर सरकार की ओर से सांसद मीणा से वार्ता की जा सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि आज जो है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वो भी किरोड़ी लाल मीणा से मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे हैं। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा का आज चौथे दिन भी धरना जारी है। बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ मीणा जो है वो आगरा जयपुर रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं। मांग उनकी यही है कि जितने भी पेपर लीक मामले हुए हैं उन सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संतोष जी ने एक भी असली आरोपी है, आरपीएससी से पेपर लीक हुआ उसमें उन्होंने कार्रवाई नहीं की। भूपेंद्र और सुरेश ढाका भागी गए, सुरेश ढाका की जीएफ का मैंने नाम बता दिया उसको नहीं पकड़ रहे, सुरेश ढाका की भाभी का नाम बता दिया उससे नहीं पूछ रहे, सुरेश ढाका के पिताजी से जांच नहीं कर रहे, और जो वो सीआई है उस मोहन पोसवाल के मैंने प्रमाण दे दिए उनको नहीं पूछ रहे। तो ये इतना, चलो आप बड़े लोगों को मंत्री को मत पूछो अभी, जबकि पूछना चाहिए, मैंने प्रमाण दिया, एमएलएस को मत पूछो, लेकिन ये मैं 8-10 जो नाम बताए इनको एक बार इंट्रोगेट तो करें, तो कुछ चीज़ आए तो हम कुछ संतुष्टि हो तो हम आगे बढ़ें। और हमारे सहयोगी विष्णु जो है वो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विष्णु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विष्णु, दो दौर की वार्ता हो चुकी है, आज चौथा दिन है और ऐसे में संभावनाएं आज भी है कि सरकार के साथ प्रतिनिधि के साथ वार्ता हो तीसरी दौर की, क्या संभावनाएं नजर आ रही है? बिल्कुल, लगातार किरोड़ी लाल मीणा धरने पर है और आज चौथा दिन है और इस बीच दो दौर की वार्ता हो चुकी थी जिसमें पहले पुलिस कमिश्नर और एडीएम ने वार्ता की थी और उसके बाद गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव उन्होंने वार्ता की थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। ऐसे में कल मीणा दिन भर बैठे रहे और आज भी वहां पर धरने पर है। हालांकि जो पार्टी के उपनेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़ वो वहां पर पहुंचे हैं और वो चर्चा कर रहे हैं कि आगे इसका कल हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि राज्य सरकार मना कर चुकी है सीबीआई जांच को और ऐसे में अब आगे क्या हाल हो सकता है। मीणा हट देवे हैं कि सीबीआई जांच हो, उनका कहना है कि उन्होंने कई आरोपियों के नाम बताए, उन आरोपियों से पूछताछ नहीं की जा रही क्योंकि सीएम क्लीन चिट दे चुके हैं कि कोई नेता और अफसर इसमें शामिल नहीं है। जो आरोपी है पकड़े जा चुके हैं वो है और बाकी कोई नहीं है। तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई क्यों करेगी या एसओजी कार्रवाई क्यों करेगी? तो ऐसे में मीणा चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। तो ऐसे में वो लगातार अपनी मांग को दोहरा रहे हैं और इसी को लेकर ये चर्चा वो मांग कर रहे हैं और वहां धरने पर डटे हुए हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी भी वहां पर डटे हुए हैं। तो अब राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई सूरत निकल सकती है कि वार्ता का जरिए आगे क्या बढ़ सकता है या किस तरह की वार्ता की जाती है, क्योंकि मीणा ने कह चुके हैं कि उनकी पार्टी जो चाहेगी तब तक वो धरने पर रहेंगे परंतु उनकी मांग लगातार वही बनी रहेगी, तो इसी को लेकर ये प्रयास चल रहे हैं। जी विष्णु, मांग लगातार सीबीआई जांच की जा रही है, वार्ता की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जाएगी क्योंकि एक लंबा अंतराल हो जाएगा। अब ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा की आपसे बातचीत हुई है क्या? आगे की उनकी क्या रणनीति रहने वाली है इसको लेकर? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि यहाँ की स्थानीय पुलिस जांच नहीं कर सकती, तो चूंकि पहले दिन जब प्रस्ताव हुआ था तो पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और एडीएम है उन्होंने ये कहा था कि वो एसआईटी का विकल्प दिया था उनको कि एसआईटी से इस मामले की जांच करवा सकते हैं। हालांकि वो बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि एसआईटी भी राजस्थान पुलिस के अफसरों की होगी, तो ऐसे में वो किस तरह जांच कर पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं विकल्प तो तलाशना होगा। तो इसी को लेकर संभवतः एसआईटी पर कोई चर्चा हो जाए या फिर जो मीणा है वो लगातार जो दौर मांगे हैं उनकी कि 90% जो आरक्षण नौकरियां हैं वो स्थानीय लोगों के लिए हो, बाहर के जो राज्य के हैं लोग वो नहीं पहुंच पाए,
जिला जो पंजीयन कार्यालय है उसमें पंजीयन स्थानीय लोगों का ही हो, अगर इन बातों में से सहमत बन जाती है, सहमति हो जाती है सरकार के साथ, तो मेरा धरना भी खत्म कर सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर ये जद्दोजहद चली। अभी फिलहाल सरकार की ओर से कोई वार्ता का न्योता नहीं आया, लेकिन लगता है शाम तक आता है, इसी का इंतजार है। जी चलिए ठीक है विष्णु, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वही ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।